फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। एक युवती ने अपने परिवार को छोड़ा, घर छोड़ा और अपने पति को भी। झूठे प्यार की खातिर अपने पति के दोस्त के साथ चली गई। आज जब अपना विश्वास टूटा तो सदमा बर्दाश्त न हुआ और उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अपने सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि आशीष, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, आई हेट आशीष। यह घटना आज सुबह मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के तेज विहार कॉलोनी रोटा रोड की है। यहाँ गोलाबड़ निवासी सेवानिवृत्त दरोगा की पुतली अंजलि का विवाह कांस्टेबल मोतीलाल से हुआ था। मोतीलाल का शामली तबादला हुआ तो सभी वहां चले गए। वहीं अंजलि मोतीलाल के शामली में तैनात कांस्टेबल दोस्त आशीष के संपर्क में आ गई। मोतीलाल को पता चला तो वह अंजलि को उसके घर छोड़ गया। बाद में आशीष अंजलि को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। आशीष रोहटा रोड स्थित सरस्वती विहार में रहता है और पूर्व सभासद राजकुमार उर्फ राजू का बेटा है। इस आत्महत्या के बाद आज घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच अंजलि के भाई गोविंद ने मीडिया से बात की, आइए पहले देखते हैं। मेरा भैया गोविंद सिंह नाम है भैया। एक साल पहले ये जो आशीष नाम का लड़का था, ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल पर तैनात था शामली में, और जो मेरी जीजाजी हैं वो भी यूपी पुलिस में तैनात हैं शामली में। तो ये आशीष जो था ये उनका दोस्त था, तो इसकी पोस्टिंग साथ में थे, तो इसका आना जाना था। मेरी सिस्टर भी वहीं रहती थी शामली में, प्राइवेट कमरा ले रखा था उसने। तो भैया हुआ क्या, इसने मेरी बहन को बहला फुसला लिया, क्योंकि ना उसके नाम पर कुछ पैसा था। तो मेरी बहन ने इसे बता दिया था कि आना जाना था, कि मेरे भाई बताते थे जैसे बैठ जाते जा रही दोस्ती में कि भैया मेरी, मैं मकान लेने वाला हूँ, ये वो ये। फिर वहाँ से क्या हुआ, इसका मेरी बहन से संबंध हो गया था, तो मेरी बहन को मेरे जिया जी ने मेरे घर पर छोड़ रखा था। तो पाँच छः लोग थे, 28 अप्रैल की बात है 2019 में। तो उसमें रात को ये मेरी बहन को हमारे ऊपर वाले कमरे से उतार के ले गए थे यहाँ से, मतलब लड़की को वहाँ से दबाव बना के कि ऐसा अंजलि मैं तुझसे शादी कर लूँगा और अरे वो कोर्ट मैरिज कर लूँगा, तू घर छोड़ के आ जा। अरे मेरी बहन ने जबकि मना भी करा गया था, उन्होंने बताया था कि ऐसा शादी नहीं, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, एक तो वैसा रख रखी है, दो दो शादी हो जाती है। तो उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर बना के पैसे के लालच में उसे वहाँ से घर से ले आया। ले जाने के बाद मेरे पापा ने एक मुकदमा दर्ज कराया था टीपी नगर थाने में। टीपी नगर थाने में जब मुकदमा दर्ज कराया था तो उसमें मेरे पापा ने आशीष उसके लड़के का, उसे पापा के नाम वगैरह लिखवाए थे। तो भैया क्या हुआ, 4-5 दिन बाद इन्होंने मतलब वो लड़की अपने पास ही रखी, मतलब बाहर इन्होंने दबाव बना लिया लड़की पे कि जैसा हम कहेंगे ऐसा तुझे करना पड़ेगा। भैया मेरी बहन की शादी हुई थी 2015 में, मोतीलाल नाम है उसके हस्बैंड का जो है, वो शामली में कॉन्स्टेबल पद पर तैनात है। भैया फिर जब भाई वो दोस्त था मेरे जिया जी का, ये आशीष जो था, ये मेरी बहन वहीं रहती थी शामली में, प्राइवेट कमरा ले रखा था भैया यहाँ का। ये सुबह फ़ोन करा था एसओ सामने मेरे मम्मी के पास फ़ोन पे कि तैसे तो तुम्हारी लड़की किराए पर रह रही थी, जबकि ये खुद का इनका मकान है, देखो लड़के का कपड़े वगैरह सब ऊपर सूख रहे, किराए पर बता रहे हैं। ये इनका बहन मंदिर की ज़मीन है, इन्होंने पता नहीं कब जाई ज़मीन है भाई, वहाँ पर भी दुकान है, धमकी उड़ दे हैं मारने की लड़की से। हम कहते हैं जैसा हम कहेंगे ऐसा करेंगे, नहीं तो तेरे भैया को मारेंगे, पाप को। मेरे पापा ने पिछले साल इसी के चक्कर में 18 मई को आत्महत्या कर ली सल्फास खा के। उस केस में भैया हमने भागा दौड़ी करी, कुछ नहीं करा, बस ऐसे सब अपना बैठ गए थे। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें अंजलि ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, घर बार, माँ बाप व पति भी, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। झूठ बोलते हो कि तुम्हारे किसी और से संबंध नहीं है, जबकि तुम ड्यूटी का बहाना बनाकर रोज कहीं जाते हो। सुसाइड नोट के अंत में अंजलि ने लिखा है, आई हेट यू आशीष। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।